रायपुर पुलिस ने पकड़ा 928 किलो चांदी का जखीरा, 9 करोड़ कीमत, छोटा हाथी में भरकर ला रहे थे। जीएसटी टीम करेगी अब जांच। अमित शाह बोले, नक्सलवाद पर अब आक्रामक नीति। दिल्ली में छत्तीसगढ़ समेत 8 राज्यों की बैठक हुई, मुख्यमंत्री साहब पीएम मोदी से भी मिले। तहसीलदार बनाने का झांसा देकर 29 लाख रुपए की ठगी। दुर्ग में बंटी बबली ने सीजीपीएससी में सिलेक्शन कराने बोला, फिर ना पैसे दिए और ना ही मिली नौकरी। छत्तीसगढ़ को रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिले 892 करोड़ रुपए, केंद्रीय मंत्री ने दी स्वीकृति। बेमेतरा, मुंगेली, राजनांदगांव, जसपुर और बिलासपुर में बनेगी नई सड़क। मोदी के खिलाफ 2 शंकराचार्य हुए एक। निश्चलानंद के गौ हत्या के एजेंट वाले बयान का अभी मुक्तेश्वरानंद ने किया समर्थन, कहा महात्मा गांधी राष्ट्रपिता नहीं। भूपेश बोले, क्या फांसी दिलाना चाहती है सरकार? कहा, कवर्धा कांड में बिना विवेचना 167 लोगों पर केस हुआ दर्ज, क्या आईपीएस पर होगी एफआईआर? बलौदाबाजार हिंसा मामले में देवेंद्र यादव की 21 अक्टूबर तक बढ़ी रिमांड। पुलिस ने 5 पूरक चालान पेश किए, लेकिन कांग्रेस विधायक के चालान में हो रही देरी। दीपक बैज ने ओपी चौधरी को बताया टोपी चौधरी, कहा महाज्ञानी मंत्री सबको टोपी पहना रहे हैं, बताएं 32,000 करोड़ रुपए का कर्ज का क्या किया। निकाय चुनाव, हर निकाय में 2 प्रभारी नियुक्त करेगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में सीनियर नेताओं और पदाधिकारियों को मिलेगी जिम्मेदारी, पीसीसी को सौंपेंगे ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में बारिश की चेतावनी। रायपुर, सरगुजा और बस्तर संभाग के जिले भीगेंगे, अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा।